पाकिस्तान वर्ल्ड कप कैंपेन हैज कम टू एन एंड और बिल्कुल भी अच्छे तरीके से एंड नहीं हुआ है नॉट द एंड दैट वी हैव वांटेड नॉट द एंड द टीम वुड हैव वांटेड बट वी आर हेयर नाउ तो बहुत सी नेगेटिव चीजें और लर्निंग्स हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है बट उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा डोंट वरी आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन पॉजिटिव आउटकम्स की उन पॉजिटिव माइल जो अचीव किए हैं हमारे प्लेयर्स ने और टीम ने आज हम उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे नो डाउट वर्ल्ड कप कैंपेन एंड हो गया वी कोडन रीच इन द सेमीफाइनल्स बट जहाँ क्रेडिट ड्यू है फॉर पॉजिटिव थिंग्स उनके ऊपर जरूर बात करेंगे बैटिंग में देर वर अ लॉट ऑफ गुड आउटकम्स फॉर पाकिस्तान एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड कप आई हैव बीन सेइंग कि जो बैटिंग है हमारी वॉज दैट बैड थ्रू आउट द टूर्नामेंट बॉलिंग ने जो है हमारा साथ नहीं दिया एंड बड़ा अनफॉर्चुनेट था बट हाउ बैटिंग में बहुत सी ऐसी पॉजिटिव uh, आउटकम्स थी कुछ ब्लेसिंग इन डिस थी तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो पॉजिटिव आउटकम थी दैट वाज़ अब्दुल्ला शफीक आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट फाइंड फॉर पाकिस्तान इन दिस वर्ल्ड कप और उसके साथ ही उन्होंने एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया अब्दुल्ला शफीक इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी बैट्समैन टू स्कोर अ सेंचुरी ऑन वर्ल्ड कप डेब्यू आज से पहले और किसी पाकिस्तान प्लेयर ने वर्ल्ड कप डेब्यू करके पहले मैच में वर्ल्ड कप में सेंचुरी नहीं स्कोर की थी अब्दुल्ला शफीक की जो डेब्यू सेंचुरी थी दैट हेल्प पाकिस्तान अचीव अनदर माइलस्टोन जो 345 का टारगेट था उसमें अब्दुल्ला शफीक और रिजवान की जो पार्टनरशिप थी दोनों ने सेंचुरी स्कोर की दैट इज नाउ द हाईएस्ट स्कोर चेज्ड बाय एनी टीम इन द वर्ल्ड कप और साथ ही साथ वो पाकिस्तान का भी हाइस्ट स्कोर चेज्ड है इन वर्ल्ड कप सो ये एक बड़ा अच्छा और पॉजिटिव आउटकम था सोफा चीजें बाय द वे यहाँ पर सही भी लग रही थी इवन दो इतना स्कोर हमने खा लिया श्रीलंका ने जो है अपना वो हाइस्ट स्कोर हमारे अगेंस्ट बना दिया बाकी टीमों ने भी बहुत माइल बनाए और हमने भी उनको हेल्प की माइल बनाने में स्टार्ट से ही नजर आ रहा था कि बॉलिंग जो है वो कुछ खास नहीं करी बट एनी कमिंग बैक टू दॉजिटिव कुछ पॉजिटिव आउटकम्स बॉलिंग में भी थे एंड जो भी थे वो शाहीन की तरफ भी थे बिकॉज शाहीन पूरी पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप को कैरी कर रहे थे ही वॉज द स्टार परफॉर्मर कोई खास उनका साथ नहीं दे सका ना फास्ट बॉलिंग में और स्पेशली स्पेशली स्पिन डिपार्टमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिली पाकिस्तान को एनीवे सो एनींस फाइव विकेट हॉल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया नाउ मेक्स हिम द ओनली पाकिस्तानी टू टेक फाइव विकेट हॉल्स इन सेपरेट वर्ल्ड कप एडिशन आज से पहले किसी पाकिस्तानी बॉलर ने डिफरेंट वर्ल्ड कप एडिशन में फाइव विकेट हॉल्स नहीं लिए खाली एक में ही लिए हैं या एक के अंदर ही दो लिए हैं विच ऑल्सो मेक्स हिम द सेकेंड पाकिस्तानी टू हैव टू फाइव विकेट हॉल्स इन अ वर्ल्ड कप एडिशन और उन्होंने ज्वाइन किया है जो फॉर्मर इस रेकर्ड को होल्ड करते हैं जिनके साथ उन्होंने ये ज्वाइन किया है दैट इज़ अनदर अफरीदी दैट शाहिद अफरीदी 2011 में शाहिद अफरीदी ने दो फाइव विकेट हॉल्स लिए थे इन वर्ल्ड कप एडिशन एंड शाहीन अफरीदी के पास भी अब दो फाइव विकेट हॉल्स हैं बट इन सेपरेट वर्ल्ड कप एडिशन एक उनका दो में था और अब एक उन्होंने ये दो के अंदर लिया है तो ही इज नाउ सेकेंड पाकिस्तानी जिसके पास दो फाइव विकेट हॉल्स हैं बट अभी भी शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा कि एक ही वर्ल्ड कप के अंदर दो फाइव विकेट हॉल या उससे ज्यादा लें और इससे पहले जो हमारे लेजेंडरी बॉलर्स भी रहे हैं उन्होंने एक स्पेसिफिक किसी वर्ल्ड कप के अंदर जो है फाइव विकेट हॉल्स लिए हैं बट उससे ज्यादा नहीं ले सके किसी वर्ल्ड कप के अंदर चाइन अफ्रेदी ऑल्सो मेड सम मोर रैकेट्स उनका जो वर्ल्ड कप एंड हुआ वो 18 विकेट के साथ एंड हुआ विच मेक्स हिम द हाइस्ट द्वाइंट Highest leading wicket taker for Pakistan in World Cup editions, or he has joined. वसीम अक्रम वसीम अक्रम ने 18 विकेट्स ली थी 1992 के वर्ल्ड कप में और उसके बाद से इतनी विकेट्स आज तक किसी वर्ल्ड कप में कोई नहीं ले सका हर वर्ल्ड कप में हमें राउंड रॉबिन मैचेस भी नहीं देखने को मिले विच मींस के इतने वर्ल्ड कप मैचेस खेलने को नहीं मिलते जो राउंड रॉबिन वाला फॉर्मेट होता है विच के हर टीम ने हर टीम के अगेंस्ट खेला है और फिर एक फॉर्मेट होता है ग्रुप स्टेजेस वाला तो ऑब्वियसली ग्रुप स्टेजेस से जब आप निकल के आगे जाते हैं तो जनरली चांसेस है कि एक तो आप हो सकता है ग्रुप स्टेज ही ना क्वालिफाई करें और ग्रुप स्टेज में आपको कम मैचेस खेलने को मिलते हैं सो दैट इज सम अदर डिबेट

फ्राम स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप पाकिस्तान की हिस्ट्री में प्रॉबली पहली दफा हुआ होगा कि पाकिस्तान टीम जो है वो अपनी बैटिंग के ऊपर एलाय कर रही थी जो बैटिंग है वो पाकिस्तान को कैरी कर रही थी पूरे वर्ल्ड कप में एंड जनरली वी आर नॉट नोन फॉर दिस पाकिस्तान टीम इज जनरली नोन फॉर गुड बॉलिंग अटैक बी इट स्पिन और स्पेशली स्पेशली फास्ट बोलिंग फखिर मेड अ कम बैक इन दर्ल्ड कप तो वॉज आउट ऑफ फॉर्म हम इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं एंड देर वॉज अ रीजन के उनको रेस्ट दिया गया एंड एट टाइम्स बेंच पे हो जाना रेस्ट करना इज बेटर फॉर यू एंड बेटर फॉर द टीम इज वेल इन फखर जबान ने वो प्रूव किया गया टाइम्स यू नीड टू टेक स्टेप बैक रेस्ट यू नो वर्क ऑन सम थिंग्स प्रैक्टिस मोर रिलैक्स योर माइंड मेड अ स्ट्रॉग कम बैक अगेंस्ट बंग्लादेश एंड स्पेशली वन पाकिस्तान नीडेड इट द मोस्ट और एक जबरदस्त इनिंग्स उन्होंने खेली बंगलादेश के अगेंस्ट जबरदस्त नॉक खेला जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली न्यूजीलैंड के मैच के अगेंस्ट जहां पर रिकॉर्ड्स बने थे तो फखर जमान की 63 बॉल्स की सेंचुरी जो उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट स्कोर की हेल्प हिम सिक्योर द फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी फॉर पाकिस्तान इन अ वर्ल्ड कप दैट वाज ग्रेट एंड स्पेशली एट अ टाइम इट वाज नीडेड द मोस्ट पाकिस्तान वाज अगेन बैश्ड इन बॉलिंग एंड हमने प्रोबेबली कोई दूसरी दफा अपनी हिस्ट्री में पाकिस्तान ने जो है वो 400 प्लस स्कोर जो है वो खा लिया था So nothing to be very proud of, but uh, Fakhar Zaman stepped up. He scored the most number of sixes in a single match. ग्यारह unhone mare New Zealand ke match mein, and that makes him the first Pakistani to score eleven sixes in a single World Cup match. And I think overall वो फोर्थ नंबर पर आ गए हैं और थर्ड पे मार्टिन गोप्तल हैं जो अपनी 240 स्कोर की थी.

सिंगल वर्ल्ड कंपटिशन सो दैट इज़ अनदर कमेंडेबल माइल स्टोन कुछ पाकिस्तानी सोच रहे होंगे कि कहाँ थे फखर जमान, क्यों नहीं खेल रहे थे सारे वर्ल्ड कप मैचेस, सो so उसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं एंड uh, फखर जमान के इंक्लूजन इंसक्लूजन वॉज हिज ओन फॉल्ट सो या सो गुड फॉर हिम एंड वी होप कि आग, आगे आने वाले मैच में जो है उनको मौका मिले एंड डेफिनेटली मिलेगा एंड वो ऐसी स्कोर करें और बड़े माइल स्टोन करें एंड आई वु वुड रिल लव टू सी हिम प्ले अनदर वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान बिकॉज जो वो एक्सप्लोजिवनेस रखते हैं ही नीड्स टू इंस्पायर मैनी मोर बैट्समैन एंड ही नीड्स टू मेक सम मोर माइल द कमिंग वर्ल्ड कप सो दीज वर द माइल जो पाकिस्तानी बैट्समैन और बॉलर जिसमें सिर्फ शाहीन अफरीदी थे उन्होंने अचीव किए पॉजिटिव माइल जो नेगेटिव माइल हैं वो पाकिस्तानी बॉलर्स ने काफी अचीव किए हैं बट उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि क्या हमारी लर्निंग्स होनी चाहिए सो टू बी ऑनेस्ट एक बड़ा एवरेज सा टूर्नामेंट था ओवरऑल पाकिस्तान के लिए जो बैटिंग थी वेरी ऑनस्ट जो बैटिंग थी पाकिस्तान के लिए वो पिछले वर्ल्ड कप से कम्पेयर वॉज अबव एवरेज इसमें कोई शक नहीं है बॉलिंग अगर सिर्फ एवरेज पर ही रहती इस वर्ल्ड कप में बट बॉलिंग अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारी गलतियाँ थी कुछ अल्लाह की तरफ से कुछ इंजरीज हो गई तो बॉलिंग बिलो एवरेज हमारी चलेगी विच आई फील इज द मेन रीजन वाई हमारा वर्ल्ड कप जो एग्जिट था वो इस तरह से हुआ एनी वे दैट सेट फ्राम टूडे आई वी सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़